ये देखिए गाइस, हमारी इस त्योहार वाली पूड़ी, मसाला पूड़ी बहुत टेस्टी बहुत यम्मी इस तरह से बनाइए। बहुत टेस्टी बहुत यम्मी पूड़ियां बनकर तैयार होंगी, और जितनी भी पूड़ियां आप बनाएंगे ना, सब फूली की फूली निकलेंगी, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी। तो चलिए देखते हैं अपनी ये रेसिपी हमने कैसे बनाई है। तो प्लीज रेसिपी पूरी देखिएगा, तब समझ में आएगा कि हमने क्या ट्रिक लगाई है। तो चलिए देखते हैं अपनी ये रेसिपी। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस देखिए, त्योहार का सीजन चल रहा है, तो इस समय त्योहार वाली पूड़ियां तो बनती हैं, तो इसलिए चलिए आज हम नए तरीके की पूड़ी बनाते हैं, जो कि पूड़ी का भी स्वाद आएगा और कचौड़ियों का स्वाद भी आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये हाफ कटोरी आटा हमारा, जो नॉर्मली रोटी बनाते हैं वही आटा है। ये महीन वाली सूजी, ठीक है, महीन ना हो सूजी अगर, तो आप ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। और ये हमारा है बेसन, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऑयल मिल गया था इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, बट है ये हमारा 2 स्पून बेसन। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए गाइस, हमने अपना आटा इसमें डाल दिया है स्ट्रेनर में, क्योंकि सब चीजें हम आसानी से इसमें डाल कर लेंगे तो ये आसानी से मिल जाएंगी आपस में, ठीक है, और हमें मिलाना भी नहीं पड़ेगा। ये देखिए गाइस, नमक स्वाद अनुसार हमने वही अपना नमक लिया जिसका हमारा ये नमक जो हमने बनाया है वही है। इसमें सारे मसाले पड़े हैं, और ये थोड़ा सा चाट मसाला, और ये गरम मसाला, ठीक है, ये सारा हाफ टी स्पून है, ज्यादा नहीं है, हाफ टी स्पून, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए, हाफ टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 पिंच हींग, ठीक है। ये देखिए गाइस, अब इसको हम छान लेंगे तो सारा कुछ छन जाएगा और आपस में मिल जाएगा। ये देख सकते हैं गाइस, स्ट्रेनर में कुछ भी नहीं है, सब छन गया है और सब मिल गया है। ये देख सकते हैं गाइस, हाफ टी स्पून अजवाइन ली है जिसको हम ऐसे मसलते हुए डालेंगे, ठीक है, मसल के डालने से इसका फ्लेवर आ जाता है। ये देख सकते हैं गाइस, ये हमने गर्म वाटर ले रखा है, पानी गर्म, इतना गर्म है कि हम इसमें उंगली डाल रहे हैं मगर ये हमारी उंगली सह नहीं पा रहा, बराबर रख नहीं पा रहे हैं, तो इतना गर्म हमें चाहिए वो है पानी, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है, वो सूजी हमारी फूल जाए। ये देखिए गाइस, खस्तापन देने के लिए हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, जो कि हमारा 3 से 4 स्पून है, ठीक है, तो वो इसमें हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे, ठीक है, ऐसे करके हम इसमें मिला लेंगे जिससे कि खस्तापन आएगा। देखिए, सूजी या बेसन आप जो भी चीज हटाना चाहें हटा भी सकते हैं, बट सूजी से क्रिस्प पड़ेगा हमारी पूड़ियों का, तो इस वजह से सूजी ज्यादा अच्छी होती है। तो अब देखिए, इसको हमने मिला लिया है और गर्म पानी से इसको हम गूथेंगे, और टाइट ही, बहुत ज्यादा टाइट नहीं और बहुत ज्यादा लूज नहीं, क्योंकि सूजी है ना, तो सूजी हमारी पानी सोखेगी। तो देख सकते हैं अभी इसको हम हल्का हल्का पानी डालते हुए ऐसे गूथ लेंगे। ये देखिए गाइस, हम चिली फ्लेक्स डालना भूल गए, तो हमारे पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से मिर्च को आप तवे पे भून लें हल्का सा, और हल्का सा ऐसे क्रश कर दें, और एकदम क्रिस्पी ये इसकी फ्लेक्स आप हाथ से ही चिली फ्लेक्स बना सकते हैं। देखिए, ये देखिए बन गई, और इसको हम डाल देंगे अपनी पूड़ियों में, जो कि हम डालना भूल गए थे। ये देखिए, इसे स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे दिखने में पूड़ियाँ अच्छी लगेंगी थोड़ी सी। तो अब हम इसको गूंथ लेंगे आटे को। ये देखिए गाइस, अभी हल्का लूज लग रहा होगा आप लोगों को, मगर ये इसमें जो सूजी है वो अभी फूलेगी, ठीक है, तो ये हमारा आटा हो चुका है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथ में, ठीक है, और ये देखिए थोड़ा सा ऑयल लगाया, और उसके ऊपर ऐसे करके हम इसको रख देंगे, ठीक है, लगभग 10 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि हमारा पानी गर्म था, तो इसकी वजह से 10 मिनट में ये फूल कर अच्छा हो जाएगा। गाइस एक बात और, आप इसमें हरी धनिया डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास थी नहीं, इस वजह से हमने नहीं ऐड करी है। देखिए गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं, और इसको हम एक बार फिर से मसल लेंगे जिससे कि एक सा हो जाए दो पूरा, ठीक है। गाइस देखते रहिएगा, क्योंकि लास्ट आपको मतलब तलते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपकी जो पूड़ियां होंगी अधिक तेल नहीं पिएंगी और बहुत अच्छी बहुत क्रिस्पी बन के आएंगी। तो देखिए, ये हमने मसल लिया है, ये देख सकते हैं गाइस, हमने अपने चकले पर 2 बूंद ऑयल डाल दिया है, और इस पर हम लोइयां बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से करते हुए, ठीक है। तो हमें
छोटी छोटी लोइयां बनानी है बिल्कुल, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये देखिएगा सारे लोइयां बना लिए नींबू के साइज की, तो इसको हम अच्छे से एकदम चिकना करेंगे। आप ऐसे करके रख लें बिल्कुल, बहुत अच्छे से स्मूथली हमको लोइयां बनानी है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से, ये जैसे दिख रहा है इसको एकदम अच्छे से बनाना है, जितनी अच्छी हमारी स्मूथ लोई बनी होगी, ठीक है, तो उतना ही अच्छे से पूरी फूल कर आएगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे, तो बना लेते सारी। ये देखिएगा सारी बन चुकी हैं, तो हमें क्या करना है, इनको खुला नहीं रखना है, इनको ढक देना है, जितनी जैसे हमने एक लोई अपनी ली इसको हमें बेलना है, तो इन दूसरी और लोइयों को ऐसे ढक देना है जिससे कि हवा ना लगे। और इस पर हम थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल, तो थोड़ा सा ऐसे लगा देंगे और आटा नहीं सूखा लगाएंगे, ऑयल से ही ऐसे बेलेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने अपने बेलन पर भी लगा लिया और ऐसे घुमाते घुमाते अच्छे से हमें हल्के हाथों से बेलना है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बेल लेना है, देखिए गाइस, बहुत पतली नहीं बहुत मोटी नहीं, बिल्कुल इसी तरह से बेलना है, ठीक है। तो इसी तरह से बेल बेल कर हम रखते जा रहे हैं, ये देख सकते हैं, तो बेल लेते हैं सारे। देखिए गाइस एक बार हमने ऑयल लगा लिया, अब हमें दोबारा ऑयल लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे डो में ऑयल था, तो इसी तरह से हल्के हाथों से सारी की सारी हम पूड़ियां बेल कर रख लेंगे। ये देखिए गाइस सारी की सारी हमने बेल कर रख ली हैं, ठीक है, तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए गाइस और डो का तो देख लेंगे कि हमारा ऑयल सही से हुआ है या नहीं, क्योंकि इसमें ऑयल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और बहुत तेज गर्म होना चाहिए। ये देखिए जैसे कि पूड़ी हमारी डालते ही तुरंत ऊपर आ जाए, देखिए डो ऊपर आ गया तुरंत, तो इसका मतलब ऑयल हमारा बिल्कुल सही है, तो हम इसमें अपनी पूड़ियां डालेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से डाल देंगे, जब ऊपर आएगी पूड़ी तो उसको थोड़ा सा करछी से हम ऐसे करेंगे जैसे कि ये अच्छे से फूल जाए, देख सकते हैं कितनी अच्छे से फूल कर आई है पूड़ी, ठीक है। और अब इसको हम पलट देंगे और फ्लेम को धीमा कर देंगे। देखिएगा इस पलटने के बाद धीमा करने को क्यों कहा, क्योंकि देखिए ये जो हमारी फूल जाती है ना पूड़ी, तो एक साइड तो हमारा फूल कर पतला हो जाता है तो उस साइड में जल्दी खड़ी हो जाती है, और जिस साइड में हल्का होता है उस साइड में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छे से बनकर आई है। इसी तरह से ये देखिए हम दूसरी पूड़ी भी इसमें डाल रहे हैं, देख सकते हैं, देखिए हमने स्किप नहीं किया है, दूसरी पूड़ी भी डाल दी है, और ये देखिए दूसरी पूड़ी भी हमारी अच्छे से फूल कर आई है, ठीक है। ये देखिए और फ्लेम हल्की कर देनी है अब, क्योंकि हमारा तेल जो है वो पहले गर्म नहीं था और अब गर्म हो गया, तो इसके लिए हल्का कर देना है। तो आप जितना आपकी कढ़ाई में आ जाए पूड़ियां उतनी आपको डालनी है। ये देखिए हमने सेकेंड वाली भी डाल दी है, देख सकते हैं हमारी सारी की सारी पूड़ियां फूल कर ही आ रही हैं। ये देखिए आपके सामने लाइव हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल समझ लीजिए कि सारी की सारी पूड़ियां हमारी फूल कर आ रही हैं और कितनी ज्यादा यम्मी बन रही हैं। तो इसी तरह से सारी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आके। ये देखिए ये हो गई हमारी, तो इसको भी हम निकाल देंगे और आप देखेंगे बिल्कुल भी इसमें डो बिल्कुल भी ऑयल नहीं होगा। आप चलिए एक पूड़ी और अच्छा दिखा देते हैं आपको ताकि आपको यकीन हो जाए। ये देखिए हमने अपनी चौथी पूड़ी डाली है, ये भी पूड़ी हमारी एकदम फूल कर ही आएगी, देख लीजिएगा। हो सकता है आपको वीडियो लंबी लगे बट लाइव दिखा रहे हैं, ये देखिए ये हमारी चौथी पूड़ी है वो भी फूल कर ही आई है। देखिये सूजी डालने से हमारी पूड़ियां थोड़ी ज्यादा देर तक क्रिस्पी रहती हैं। तो चलिए हम सारी इसी तरह से बनाते हैं, फिर मिलते हैं। ये देख सकते हैं गाइज, ये देख सकते हैं गाइज, आप वीडियो पोस्ट कर भी देख सकते हैं पीछे जा करके भी कि जितनी पूड़ियां हमने बनाई थी लगभग उतनी सारी की सारी पूड़ियां फूली हुई, कोई पूड़ी ऐसी नहीं इसमें दिख रही होगी कि जो फूली ना हो। तो आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी, इनको तो किसी सब्जी की भी जरूरत नहीं है, आप चाय के साथ ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी और बहुत खस्ता। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।